नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निधि किचन लाइफस्टाइल पे कैसे हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी तो दोस्तों आज मैं आपके साथ काला शैम्पू घर पे शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बस पाँच मिनट के लिए अपने बालों पे लगाना है आपके बाल इतने खूबसूरत चमकदार और जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो पसंद आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए जिनके बाल बहुत रूखे ड्राई हैं झाड़ू जैसे उन ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपको ले लेना है एक कांच का बाउल क्लीन बाउल ले ले आप। और नहाने से बिल्कुल पाँच मिनट पहले आपको ये काम कर लेना है अपने बालों पे लगा के तो यहाँ पे अपना जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है वो शैम्पू आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है जो आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं वही शैम्पू आपको ले लेना है इतना क्वांटिटी में लेना है जितना आप रेगुलर लगाते हैं अब इसमें हम डाल देंगे फर्स्ट जो है एलोवेरा जो कि हमारे बालों में बहुत अच्छा रहता है हमारे बालों में से ड्राइनेस को हटाता है तो हम यहाँ पे वन स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे गाइस कोशिश करें कि ये मार्केट वाला ही ऐड करें अगर आपकी बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप यहाँ पे टू स्पून तक ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं हिबिस्कस पाउडर ये इजिली अवेलेबल होता है मार्केट में गाइस अगर आपके पास नहीं है तो अगर उड़ल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो वो भी आप पीस के यहाँ पर पे पेस्ट डाल सकते हैं ये हमारे बालों को बहुत मजबूत भी करता है ड्राइनेस हटाता है लम्बा करता शाइनिंग पहुंचाता है तो गाइज मैं यहाँ पे हाफ स्पून डाल दी हूँ हिबिस्कस पाउडर और हाफ स्पून ही यहाँ पे मैं कलौजी पाउडर भी ऐड करूँगी अगर आपके पास नहीं है तो आप कलौजी को ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं अब यहाँ पे मैं एक चम्मच इतना आंवला पाउडर ऐड कर रही हूँ इसे मैंने रोस्ट कर लिया है और अब इन सब को बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और गाइस ये हमारा होममेड ब्लैक शैम्पू बन के रेडी हो जाएगा बस इसे आपको लगा लेना है अपने बालों पे अगर आपके बाल में तेल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस शैम्पू जैसे आप लगाते हैं बस उसी तरह अपने रूट से लेकर टिप तक अच्छी तरह से इसे लगा लेना है पाँच मिनट अपने बालों पर रहने देना है और हल्का सा इसे मसाज कर देना है उसके बाद आपको धो लेना है नॉर्मल पानी से एक प्रिकॉशन आपको लेना है आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है आप जितना नॉर्मल हो सके उतने पानी से आप नहाएं मन से गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है वो पानी से आप नहीं नहाएं और आपको ड्रायर यूज़ नहीं करना है गाइस ड्रायर यूज़ करने से बाल हमारे बहुत रफ हो जाते हैं तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा थैंक यू